अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखिए आज हम आए में भैया फिश फ्राई पे। तो मैंने बोला इनकी मछली दिखाते हैं आपको कौन कौन सी है। और ये देखिए किलो वाली चटनी तो ब्लोच। और क्या क्या नाम है इन मछलियों के ये भी इनसे पूछते हैं। और ये देखें जी, तो भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? हमजा। हमजा भाई ये बताएं, ये आपके पास कौन कौन सी मछलियाँ हैं? कुन पड़ी हुई है, डंडिया मछली पड़ी हुई है, अच्छा जलेबी पापलेट पड़ी हुई है। ये कौन सी है? ये जलेबी पापलेट। जलेबी पापलेट, अच्छा। और ये वाली? ये वाली कुन, ये कुन पड़ी हुई है, अच्छा। और कौन सी है? ये दंतिया मछली पड़ी है। दंतिया मछली पड़ी है, अच्छा अच्छा। और ये जो ये फिंगर फिश है, मछली फिंगर फिश कौन सी है? ये है मुश्का मछली। मुश्का मछली, मुश्का मछली का फिंगर बना हुआ, अच्छा ठीक है। ये देखिए ये फ्राई हो रही है, ये कौन सी मछली है? ये दंतिया मछली है। दंतिया, ये दंतिया मछली फ्राई हो रही है, अच्छा। ये क्या हिसाब है भाई? ये 800 रुपये किलो दी जा रही है, 200 रुपये पाव। 200 रुपये पाव। तूफानों की वजह से और हिंदुस्तान के स्ट्राइक की वजह से मंडी के अंदर इस वक्त माल बिल्कुल नापेद हुआ हुआ है, अच्छा। से भी मछली नहीं मिल रही, अच्छा। तो ये जो थोड़ा बहुत मछली आ रहा है उसकी वजह से ये रेट चला रहे हैं। बाकी ऑल कराची के अंदर इस वक्त मछली 300-350 रुपये पाव दी जा रही है। तो आप इतनी सस्ती दे रहे हैं मछली, माशाल्लाह। ये मछली सस्ती इसलिए दी जा रही है, यहाँ पर ये मिडिल इलाका है, मिडिल क्लास, यहाँ पर लोगों में सख्त नहीं है खरीदने की, मछली खाने की। यहाँ वो रोज़मर्रा मजदूर टाइप लोग हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो हम उन लोगों का ख्याल करते हुए यहाँ पर रेट बहुत मुनासिब चला रहे हैं। इस वक्त ये दंतिया मंडी के अंदर 1200 रुपये किलो दी जा रही है, और मुश्का मछली का करंट रेट चल रहा है इस वक्त मंडी के अंदर 1300 रुपये किलो। 1300 रुपये किलो साबुत मछली, सही। और वो भी अवर लाट के अंदर। तो इस इलाके की मुनासबत से, मंजूर कॉलोनी की मुनासबत से, हम यहाँ की आवाम, मैं भी यहीं का रिहायशी हूँ, तो मुझे पता है यहाँ लोगों की क्या कंडीशन है, और वो अपने बच्चों के लिए मछली ले जाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। मैं अपनी दुकान के ऊपर माल भी तकरीबन हिले मंडी का रखता हूँ, गाड़ी मंडी का ताज़ा, और फ्रेश ऑयल के अंदर आप देख रहे हैं ये बना के देते हैं, बिल्कुल फ्रेश ऑयल, साफ़ सुथरा काम, साफ सुथरा माहौल। हमारी दुकान भी आप विजिट करें, ये देखिए दुकान की डस्टिन वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं मिले, सही। और ये देखिए माशाल्लाह मछली भी। और ये क्या है? ये मछली फ्राई के साथ मिर्ची दी जाती है जो मछली, अच्छा, के टेस्ट को उबाला करती है। आए इनके और भी, ये देखें मिर्चें फ्राई हुई हैं, और ये मसाला लग रहा है, ये देखिए, और ये नींबू कटे हुए हैं, अच्छा। मसाला कौन सा है ये? ये मसाला हम लोग अपना स्पेशल तैयार करवाते हैं, स्पेशल मसाला है, और ये देखिए चटनी जो है ना, चटनियाँ पैक हो रही है, ये देखिए ये इनकी चटनी है, चटनी का इनका जायका भी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, ये देखिए चटनी भी, ये देखिए इमली की चटनी है जी, इमली की चटनी है, आमचूर होती है ना, आमचूर, आमचूर, आमचूर की चटनी, आमचूर की चटनी बनती है, ठीक है। बच्चे वगैरह लेडीज़ आराम से खा सकते हैं, गला ख़राब नहीं होगा इस चटनी से, अच्छा। इमली होती है उससे सर्दियों में गला वगैरह ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इमली की यूज़ नहीं करते, अच्छा। आमचूर की चटनी, आमचूर की, ठीक है। इनकी ये दुकान है, अंदर से भैया फिश फ्राई, ये इनकी सीटिंग है, और माशाल्लाह सफाई का भी निज़ाम देखे माशाल्लाह, साफ़ सुथरा बिल्कुल। तो ये देखें गाइस, आप आएँ मंजूर कॉलोनी, और मंजूर कॉलोनी में भैया फिश फ्राई पे आएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें मसाला लग रहा है, हाँ ये देखें, ये देखें, और ऑयल भी इनका बहुत साफ़ सुथरा ऑयल है,
आप ये देखें ऑयल भी इनका बहुत साफ़ सुथरा है, और ये देखिए ये पैकिंग हो रही है। ये मछली तैयार। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, मेरे चैनल कमर इलियास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफिज़।